एक चीज नहीं छोड़ी, इंटेल की बेइज्जती करना बिकने वाली लड़की को देखना पड़ता है, वैसा करने की अब जरूरत नहीं होगी। एएमडी ने हमारी सुन ली है, बेसिक सा आईजीपी इंक्लूड करने वाले, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है। इंटेल का फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा वो होगा 24 कोर्स का, इंटेल पावर ज्यादा खींचने वाले। वैसे अभी दोनों कुत्तों के साथ लड़ेंगे, मजे अपने को है। हेलो गाइस, मैं हसनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर मारा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, और वो है एएमडी वर्सेस इंटेल के अपकमिंग लॉन्चेस की। हाल ही में एएमडी ने अपने नए प्रोसेसर्स की अनाउंसमेंट की थी, और सच बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग अपडेट होने वाला है ये, लेकिन इंटेल भी पीछे ज़्यादा नहीं है। तो क्या है इन प्लेटफॉर्म्स की खासियत, क्या है नए फीचर्स, और कैसे हमारा होने वाला है फ़ायदा, वेल इन सब चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। एंड वीडियो में ज़्यादा आगे जाने से पहले, ये नीला रंग देख के आप लोग ये ना समझे कि मैं इंटेल को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए मैं पहले ही रेड पे इसको चेंज कर देता हूँ। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एएमडी के हाल ही में लॉन्च हुए नए 7000 सीरीज़ की। एक्चुअली लॉन्च नहीं हुए, उनके अनाउंसमेंट की गई है। तो 7000 सीरीज़ बेस्ड है नए सॉकेट पे जिसका नाम है AM5। जो भी करंट सॉकेट था जो पिछले 4 सालों से एएमडी यूज़ करी है उसका नाम था AM4। AM5 में खास बात क्या है कि उन्होंने सॉकेट का डिज़ाइन चेंज किया, PGA से LGA कन्वर्ट हो रही है, यानी प्रोसेसर पे अब पिंस नहीं होगी, अब वो पिंस मदरबोर्ड में चली जाएगी। इस आर्किटेक्चर का नाम रखा है इन्होंने Zen 4, जो करंट आर्किटेक्चर थी वो थी Zen 3। अब Zen 4 का एक बेनिफिट क्या है कि ये क्लेम कर रहे हैं अप टू 15% सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस, यानी सिंगल कोर बेस्ड परफॉर्मेंस ये 15% से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो क्लॉक स्पीड्स है वो भी बहुत ज्यादा ये एक्सपेक्ट कर रहा है। उन्होंने एक डेमो शो किया था इस दौरान जहां पे एक गेम के टाइम्स ऑलमोस्ट सारे कोर्स एक एक करके 5.5 GHz से ज्यादा हिट कर रहे थे, जो बहुत ज्यादा बड़ी बात है, बिकॉज अभी के जो करंट AMD प्रोसेसर है वो बाय स्टॉक या ओवरक्लॉक करने के बाद भी कई बार 5 GHz तो मतलब टच भी नहीं कर पाते। इस अपडेट के साथ ही फाइनली उन्होंने DDR5 पे स्विच करने का डिसीजन ले लिया है। जैसे आप लोगों को पता है इंटेल 12th जनरेशन पहला प्रोसेसर था, प्रोसेसर लाइनअप था जो 12 DDR5 के साथ लॉन्च हुआ था, एंड अब AMD भी इस लाइन में आ गई है। लेकिन इस मूव के साथ एक कंडीशन ये है कि कोई भी उनका प्रोसेसर DDR4 सपोर्ट नहीं करेगा। इंटेल के साथ अभी क्या है कि वो DDR4 भी सपोर्ट करते हैं, DDR5 भी सपोर्ट करते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता तो DDR5 वैसे तो बहुत ज़्यादा फास्ट है DDR4 के मुकाबले, लेकिन उसकी प्राइसेस ज़्यादा है और जो करंट अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है। थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो एक 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होने वाला है कंपेयर टू दिस 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर। और टू गिव एन आइडिया ऑन इंटेल साइड, इंटेल का जो अभी सबसे लेटेस्ट जनरेशन भी आर्किटेक्चर चल रहा है वो टेक्निकली एक 10 नैनोमीटर प्रोसेस पे चल रहा है। वैसे तो इंटेल है ना 7 कहती है उसको, इंटेल 7 प्रोसेस, लेकिन एक्चुअली वो 10 नैनोमीटर बेस्ड है। वैसे तो कुछ बहुत ज़्यादा अपने आप में बयान नहीं करते, लेकिन अगर एक अंदाज़ा देने के लिए आप समझ सकते हो कि जितने छोटे ट्रांजिस्टर्स का साइज़ होगा, नैनोमीटर साइज़ होगा, उतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर आप एक चिप में डाल सकते हैं और उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं कम पावर लेवल पे। एंड इस नए प्रोसेस का एडवांटेज ये होने वाला है कि ये 16 कोर्स तक के प्रोसेसर बना सकते हैं, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि ये ना ऑलरेडी AMD 16 कोर्स के प्रोसेसर बनाती है, लाइक द 5950X, 3950X, तो इसमें क्या खास है? वेल, इसका मेन एडवांटेज ये है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, स्पीड्स बहुत ज़्यादा होने वाली है, कई दूसरे इंप्रूवमेंट्स भी आने वाली है, उनके पास ज्यादा जगह होगी चिप पे ज्यादा कनेक्टिविटी इंक्लूड करने के लिए। कनेक्टिविटी के मामले में हमारे पास ज्यादा बड़ा कैशे हो सकता है, या फिर ज्यादा आप लगा लीजिए एक डेडिकेटेड प्रोसेसर हो सकते हैं जो डिस्प्ले वगैरह के लिए काम कर सकते हैं, तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट आने वाली है। एंड डिस्प्ले से याद आया, फाइनली इतने सालों बाद AMD ने हमारी सुन ली है, और वो भी इंटेल की तरह अपने CPU के अंदर एक बेसिक सा IGP इंक्लूड करने वाले हैं। आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि ना उसके जो बिल्ट इन ग्राफिक्स होने वाले Zen 4 पे, वो उस पर जाके आप अंदर साइबरपंक यूज़ कर लें या फिर क्राइसिस जाके खेलें, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बेसिक GPU होगा वो कुछ स्पेसिफिक केसेस में आपकी हेल्प करेगा। सबसे यूजफुल एटलीस्ट हमारे लिए वो होगा कि हमें बिना GPU इंस्टॉल के हम लोग ना प्रोसेसर की टेस्टिंग कर सकते हैं, प्रोसेसर को ऑन कर सकते हैं, ये डायग्नोस्टिक के टाइम बहुत मदद होती है इसकी वजह से। जैसे इंटेल क्या करती है कि अपना IGP को यूज करते हैं स्पेसिफिक एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन का मतलब कुछ स्पेसिफिक टास्क में थोड़ी ज्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग वगैरह, ट्रांसकोडिंग वगैरह में इंटेल यूज करता है अपने IGP को। सिमिलरली अगर AMD भी कोशिश, अगर होपफुली ज्यादा मुझे लग रहा है, वो भी किसी ना किसी तरीके की एक्सेलरेशन इनबिल्ट जरूर करेंगे, जो बहुत बढ़िया चीज है। एप्पल का जो नया प्रोसेसर M1 सीरीज का प्रोसेसर, वो भी इसी तरीके से डेडिकेटेड इंजन यूज करती है, डेडिकेटेड प्रोसेसर यूज करती है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड इतनी ज्यादा अच्छी है कम पावर यूज करते हुए भी, IO वगैरह में भी इंक्रीज हो रहा है। एंड AMD ने यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट किया। पहली बात तो ये कि उनके जो सारे PCIe लेंस हैं वो PCIe Gen 5 के साथ आने वाले हैं। यहाँ पे क्या खास बात होने वाली है कि अनलाइक इंटेल, इनके GPU
प्लस जो स्टोरेज है वो दोनों PCIe Gen 5 पे बेस्ड होगी। एंड AMD काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है PCIe Gen 5 को लेकर, एंड उसका रीज़न मेरे ख्याल से ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्लेम किया था कि वो डायरेक्ट स्टोरेज है ना लॉन्च करना चाहता है। डायरेक्ट स्टोरेज, अगर आप लोगों को नहीं पता, एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसकी वजह से आपको गेम्स की लोडिंग टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब जैसे क्या होता ना कि हम लोग GTA 5 ऑन करते हैं और GTA 5 जैसे हम लोग ऑन करते हैं 5 मिनट हमें वो बिकनी वाली लड़की को देखना पड़ता है, वैसा करने की अब जरूरत नहीं होगी। तो गेम्स जल्दी लोड होगी एंड गेमर्स को इसका बहुत फायदा होने वाला है। AMD ने कहा जो ये नए प्रोसेसर है आप उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली अराउंड सितंबर अक्टूबर, तो आप लगा लीजिए नवंबर दिसंबर तक इनकी अवेलेबिलिटी ठीक ठाक अच्छी खासी हो जाएगी। इतनी बड़ी उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, वहां पे उन्होंने एक चीज जरूर नहीं छोड़ी, वो है इंटेल की बेइज्जती करना, बेइज्जती इन द सेंस की परफॉर्मेंस की बेइज्जती। 16 कोर पार्ट को कंपेयर किया अगेंस्ट द 12900K जो इंटेल का अभी तक का सबसे तेज प्रोसेसर है, KS को छोड़ के, जो सच बताऊं तो अजीब ही चीज थी, उसके कंपैरिजन में इट्स ऑलमोस्ट 31% फास्टर, जो बहुत बड़ा नंबर है एंड दिस वाज अ ब्लेंडर टेस्ट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, मजा तब आएगा जब वो इंटेल के नए जनरेशन के प्रोसेसर के साथ कम्पीट करेगा और वो होने वाला है रैप्टर लेक वाले सीरीज के प्रोसेसर, यानी 13th जनरेशन ऑफ इंटेल आई कोर प्रोसेसर। तो ये जो प्रोसेसर होने वाले हैं ये भी अराउंड उसी टाइम लॉन्च होने वाला है, सितंबर अक्टूबर के आसपास। एंड जो अभी तक लीक्स निकले हैं उसमें ये बताया गया है कि जो रैप्टर लेक प्रोसेसर हैं वो एल्डर लेक से अप्रॉक्सीमेटली 15% तक फास्ट हो सकते हैं, जो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है। रीजन बीइंग ऑल्डर लेक इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट सिंगल को परफॉर्मेंस या फिर मल्टी को परफॉर्मेंस हमारे AMD के 5000 सीरीज के साथ कम्पीट कर ही रही है, बिल्कुल नेक एंड नेक कॉम्पिटिशन में रहेगी। इसमें इंप्रूवमेंट क्या होने वाली है? वेल, पहली चीज़ क्या कि ये जो प्रोसेसर है वो सेम सॉकेट यूज़ करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इसके जो नंबर ऑफ कोर्स है वो ज़्यादा डबल अप हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो इंटेल के जो 12th जनरेशन वाले प्रोसेसर हैं अनोखा आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं बिग लिटल, यानी बड़े कोर्स भी होते हैं छोटे कोर्स भी होते हैं। रैप्टर लेक के साथ क्या होने वाला है, वो नंबर ऑफ छोटे कोर्स को डबल करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल 12900K में 8 बड़े कोर्स हैं, 8 छोटे कोर्स हैं, यानी 8 पी कोर्स, 8 ई कोर्स। अगला जनरेशन वाला i9 होने वाला है उसमें 8 पी कोर्स रहेंगे लेकिन जो ई कोर्स हैं वो 16 होंगे। एंड इसका मतलब ये है कि जो इंटेल का फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा वो होगा 24 कोर्स का और जो AMD का सबसे फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा वो होगा 16 कोर्स का। एंड यू कैन सी कि ये किस तरीके से कॉम्पिटिशन पैन आउट होने वाला है, तो ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। अब कुछ लोग ये कहेंगे लेकिन ये जो कोर्स की इंप्रूवमेंट कर रहे हैं वो छोटे कोर्स के साथ कर रहे हैं, एंड दैट्स ट्रू। एंड उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि भाई साहब इंटेल अभी भी जिस आर्किटेक्चर पर बैठा है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली मतलब पुराने ज़माने का हो गया है। रीज़न भी वो थोड़ा अभी बड़ा है, उसके ट्रांजिस्टर साइज अभी थोड़े से कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े हैं एंड उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने चिप को एफिशिएंट नहीं बना सकते। अगर उनका बस चलता तो वो 16 कोर डाल देता, लेकिन फिर उसको ठंडा करने के लिए हमें बर्फ़ की फैक्ट्री खरीदनी पड़ेगी, जो ऐसा अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं होगा कई लोगों के लिए। छोटे ई कोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब वो बहुत कम पावर खींचते हैं एंड उनके टेम्परेचर्स भी ज़्यादा हाई नहीं होते। जो प्राइसिंग है उन्होंने कहा है कि प्राइसिंग वगैरह सेम होने वाली है, आर्किटेक्चर सेम उनका इंटेल 7 यानी 10 नैनोमीटर PSD होने वाला है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उनकी भी क्लॉक स्पीड ज़्यादा होंगी, मतलब उनकी कैशिंग भी ज़्यादा होने वाली है तो उसकी वजह से तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। AMD की तरह इंटेल ने अभी तक है ना अपने रॉकेट लेक प्रोसेसर्स की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा शेयर नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक डेमोंस्ट्रेशन दिखाया था 24 कोर्स वाले प्रोसेसर का, लेकिन गपशप मारने में मज़ा सबको आता है। सही में जो कॉम्पिटिशन होने वाला है, आने वाला कॉम्पिटिशन, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी की कंडीशन बात करें जो मार्केट है वो बहुत ही बैलेंस स्टेट में है। इंटेल के प्रोसेसर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे, खासकर बजट सेक्टर में i3 i5 बहुत ज़्यादा पावरफुल है। AMD की तरफ से अभी भी वो अपने AM4 प्लेटफॉर्म को जो मेचोरिटी है उसको है ना यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सस्ते मदरबोर्ड्स वगैरह निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो कॉम्पिटिशन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए उनके बारे में जल्दी से बात करते हैं। पहली चीज़ ये कि मदरबोर्ड महंगे होने वाले हैं, उसका रीज़न क्या है? पहली बात तो AMD के मदरबोर्ड्स जो है वो बिकॉज ऑफ PCIe 5 DDR5 थोड़ी ज़्यादा महंगे मदरबोर्ड्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंटेल के पास एडवांटेज क्या होने वाला है कि उनके मदरबोर्ड शायद पहली बार कई सालों बाद थोड़े सस्ते होंगे कंपेयर टू AMD's। AMD के नए प्रोसेसर सिर्फ DDR5 सपोर्ट करने वाले, DDR4 सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इंटेल के जो अपकमिंग प्रोसेसर है वो DDR5 भी सपोर्ट करेंगे प्लस DDR4 भी सपोर्ट करेंगे। तो यानी अगर आप चाहे तो आज एक B660 मदरबोर्ड खरीद लो DDR4 वाला एंड आगे जाके उस पर नया प्रोसेसर लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग सेम रैम जो आपने शायद Amazon के सेल के टाइम खरीदी होगी 2 साल पहले, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अभी तक खबरें आई है, जो मैंने अभी तक खुद नोटिस किया कि DDR5 सस्ता हो रहा है एंड दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीथिंग बिकॉज DDR5 इज डेफिनेटली बेटर। एक और पॉइंट, एफिशिएंसी इज गोइंग टू बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर कि किस
प्लेटफॉर्म को ज़्यादा एंथुजियास पसंद करते हैं या फिर जनरल रिव्यूअर पसंद करेगा, इंटेल पावर ज़्यादा खींचने वाले। और जो AMD है उन्होंने क्लेम किया कि उनका जो सबसे पावरफुल प्रोसेसर भी शायद 170 वॉट या 200 वॉट के नीचे रहने वाला है। एंड थोड़ा आइडिया देने के लिए, कंपैरिजन के लिए, एल्डरलिक ऑलरेडी 350 वॉट खींचता है प्रोसेसर, जो सर्च में पागल बनती है। एंड अगर आप ओवरक्लॉक करते हो 400 वॉट तक भी चला जाता है। एंड देखने वाली बात ये होगी कि AMD क्लेम कर रहा है कि इनके ओवरक्लॉकिंग बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। अगर आपको नहीं पता तो करंट जनरेशन की जो AMD ओवरक्लॉकिंग है वो सिर्फ बताऊँ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहती, कुछ आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं मिलती। अगला पॉइंट जो थोड़ा सा अलग है वो है न्यू एक्सेलेटर्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताती स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, तो एक्सेलेटर्स वाली चीज़ ये है कि इंटेल क्लेम कर रहा है कि वो किसी टाइप के AI एक्सेलेटर्स इंप्रूव करने वाले हैं, प्रोसेसर्स में इंक्लूड करने वाले हैं। वो अगली बार करेंगे कि उसके अगली बार करेंगे वो नहीं पता, लेकिन AMD तो कर रहा है, AI एक्सेलेटर्स डालने वाला है, उसके बारे में वो थोड़ा बाद में जाके बताएंगे, जो कुछ लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है एंड Apple जैसी कंपनीज के साथ कम्पीट करने में हेल्प करेगा। लास्ट में खुशी वाली बात यह है कि कंक्लूजन भी मेरा ये है कि भाई साहब ये दोनों कुत्तों के साथ लड़ेंगे, ठीक है, दोनों कंपनीज एक दूसरे को नोचने के पीछे पड़े हुए हैं, जो लास्ट में किसके लिए अच्छी बात है पता है, मज़े अपने को है, बिकॉज हम लोगों को मिलेंगे अच्छे प्रोसेसर्स, हम लोगों को मिलेंगे अच्छे पार्ट्स जो थोड़े बहुत होपफुली रीजनेबल प्राइसेस के अंदर हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट मी नो अगर आप लोगों को ऐसी कमेंट्री वाली वीडियोज़ पसंद है, हम लोग और बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने साथ में सकते हैं, मैं मिलूंगा आपको अगली बार, टिल देन।